नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की चेतावनी। यूपी के अन्य जिलों से आ रहे ट्रैक्टरों को रोका गया है, तो किसानों ने चेतावनी दी है, अन्य जिलों से आ रहे हमारे ट्रैक्टरों को ना रोका जाए, अगर ट्रैक्टर नहीं आने देंगे तो हम दिल्ली की सड़क जाम कर देंगे। तो किसानों का कहना है अगर ट्रैक्टर नहीं आएंगे तो हम दिल्ली की सड़क जाम करेंगे। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर से मार्च निकालने की भी चेतावनी दी है। तो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब चेतावनी भी जारी की है कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान धरने पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाइयों को रोका जा रहा है, उनके ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है और यदि ट्रैक्टरों को नहीं आने दिया जाएगा तो हम आगे आंदोलन और उग्र कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टरों से मार्च करने की जो बात कही गई है वो किसानों की तरफ से चेतावनी के रूप में सामने आई है। छब्बीस जनवरी की तैयारी चल रही है, रिहर्सल कर रहे हैं और जैसे ट्रैक्टर गांवों में खड़े हैं इस समय तो हमारी जाम फाम ना है तो ऐसा चला के देख लो रोड पे, जगह खेतों में तो जगह है नहीं, फसल खड़ी है तो अब रोड पे ला रहे हैं, देखेंगे रिहर्सल करके और 26 जनवरी की तैयारी करेंगे। 26 जनवरी को जाएंगे आगे और आज कोई उद्देश्य ना है, आज तो यही है केवल रोड पे चला के देखेंगे तैयारी, तो जाम ना है जाए वाद ना लेके चलें और ट्रैक्टर चालू ना होए या चले ना गारू तो वाकई रमा कर रहे हैं उन्हें, अब चलाए चलाए के रिहर्सल कर रहे हैं। तभी तो किसानों की तरफ से ये चेतावनी, साथ ही साथ किसानों का कहना कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर से मार्च निकालेंगे जिसकी रिहर्सल वो अभी कर रहे हैं। तो सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, वहीं यूपी के अन्य जिलों से आ रहे ट्रैक्टरों को रोका गया जिसके बाद किसानों ने चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि हमारे जो ट्रैक्टर आ रहे हैं अन्य जिलों से उनको ना रोका जाए, अगर ट्रैक्टर नहीं आने देंगे तो हम दिल्ली की सड़क को जाम कर देंगे। तो संवाददाता रमेश परियार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं क्योंकि रिहर्सल की बात हो रही है और 26 जनवरी को कुछ शायद बड़ा करेंगे, तो क्या तैयारियां हैं इनकी और क्या कुछ करने जा रहे हैं ये किसान? देखिए, मैं आपको जानकारी दूं कि किसानों के द्वारा 26 जनवरी पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हम ट्रैक्टरों की परेड निकालेंगे जिसके लिए हम उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा ट्रैक्टर को मंगा रहे हैं और वो ट्रैक्टर जैसे ही नोएडा में पहुंच जाते हैं ट्रैक्टर, उसके बाद हम परेड की जो रिहर्सल है वो शुरू करेंगे। लेकिन इस रिहर्सल को लेकर प्रशासन की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि कोई अराजकता का माहौल ना हो और ट्रैक्टर के आने से रोड पे जो लोगों को परेशानी होती है वो परेशानी ना हो, इसको लेकर सारी व्यवस्था की गई है और पुलिस को मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है। लगातार प्रशासन के द्वारा इनके जो नेता है उनसे संपर्क साधा जा रहा है ताकि यहाँ की सुरक्षा को एकदम दुरुस्त किया जा सके। तो ऐसे में अगर हम किसानों की बात करें, आम लोगों के बारे में क्या सोचते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो रिहर्सल करेंगे तब भी लोगों को परेशानी होगी और आगे 26 जनवरी को जब वो परेड निकालेंगे तब भी परेशानी होगी। देखिए, किसानों के द्वारा कहा गया है कि परेशानी हम भी झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं इतने दिनों से ठंड के मौसम में यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारी ओर से एक दो सड़क के लोगों की सहूलियत के लिए खोली गई है, दिल्ली से आने वाले वाहन लगातार जा रहे हैं, हम उनको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जिस सड़क पे हम बैठे हैं वहीं पे कुछ एरिया में हम अपने ट्रैक्टरों के द्वारा परेड की रिहर्सल करेंगे ताकि आम लोगों को। ये जो परेड निकालने वाले हैं ये कौन से सड़क पे और किस मार्ग पे निकालेंगे, किस तरीके से कहाँ तक ये जो परेड निकालेंगे? ये निकालेंगे नोएडा चिल्ला बॉर्डर से महामाया की तरफ और उसी बंद सड़क पे ही परेड निकालेंगे ताकि आम जनमानस को परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबर प्रतापगढ़ से जहां शहीद सुधाकर का अंतिम संस्कार हुआ। गोडे गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है, तो शहीद के अंतिम यात्रा में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी शामिल हुए। शहीद सुधाकर के अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। बता दें, शहीद को जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कंधा भी दिया। चीन सीमा पर ड्यूटी करते हुए शहीद हुए थे सुधाकर सिंह। तो ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब जन सैलाब उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। शहीदों जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कई लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं अमर शहीद स्वर्गीय श्री सुधाकर सिंह जी की जिस तरीके से अभी हमारे सुंदर जी ने बताया है कि चाइना के बॉर्डर पे 17,000 फीट की ऊंचाई पर
भारत माता की रक्षा करते हुए। अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं भी उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सहयोग? निश्चित रूप से आज अगर हम सब लोग गोड़े की इस पवित्र भूमि पर खड़े और देश में सुरक्षित हैं इन्हीं वीर सपूतों के कारण से। ऐसी सेना को हम सलूट करते हैं और स्वर्गीय वीर सुधाकर। तो ये वो तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ से, जहां हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। शहीद सुधाकर सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी पहुंचे, जिन्होंने कंधा देने का भी काम किया। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ पड़ा उनकी अंतिम यात्रा में। तो तस्वीरें देखिए जरा, अंतिम यात्रा में किस तरह से ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रतापगढ़ की तस्वीरें शहीद सुधाकर सिंह की, अंतिम संस्कार के लिए जब अंतिम यात्रा निकाली गई तो उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब तमाम वो लोग मौजूद थे वहाँ, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचे थे। वहीं हम आपको ये भी बता रहे हैं जल शक्ति मंत्री भी वहाँ पहुँचे थे कंधा देने के लिए। वही सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी बरेली अविनाश चंद्र ने पीड़िता के गांव पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें एडीजी बरेली अविनाश चंद्र ने निर्देश दिए कि अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एसएसपी बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देश पर 4 पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने को लगाई गई है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्य आरोपी महंत फरार चल रहा है, तो मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है जिसकी तलाश जारी है, जिसके लिए टीम गठित कर दी गई है। घटनास्थल का जायजा लिया गया है। बदायूं से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एडीजी बरेली अविनाश चंद्र ने ये जायजा लिया है। से मुलाकात हुई उनके बेटियों से, बेटे से, दामाद से, और जो आवश्यक सूचनाएं थी इस केस से संबंधित उनसे बातचीत की गई। जो उपयोगी इस केस का सफल अनावरण में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ये केस हम लोग के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का केस है बदायूं जनपद का, इसीलिए मैं बरेली से यहाँ पे आया हुआ हूँ। 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं। सत्यनारायण जो वहाँ का बाबा था उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके आधार पे हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने में सफल होंगे। उससे पूछताछ के बाद भी जो मिसिंग कड़ी हैं अभी पूरे केस की, उसको हम लोग चूर से चूर बैठा करके फिर आपके समक्ष पूरी। बदायूं घटना को लेकर महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी पीड़ित परिवार से मिली हैं और परिजनों से उन्होंने बातचीत भी की है। मैंने पहले जैसा कहा कि पुलिस का खौफ जब खत्म हो जाता है तो अपराधी निरंकुश हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे तो हमको, हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, पुलिस हमारे साथ कोई सख्ती नहीं कर पाएगी, हमको सजा नहीं होगी। जब बात मन में ये बात आ जाती है तो अपराधी निरंकुश हो जाते हैं। और यही मैं बार बार यही कह रही हूँ कि पुलिस को सख्त होने की ज़रूरत है, पुलिस को अपना कदम तेजी से उठाने की ज़रूरत है। और जैसे ही किसी ऐसी घटना की जानकारी होती है उस पर निरपेक्ष भाव से कार्य करने की ज़रूरत है। जब पुलिस ऐसा नहीं करती है तब लोगों का खौफ बढ़ता है। वही मेरठ के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदायूं में हुई रेप की घटना और मुरादनगर में शमशान घाट के लेंटर को गिरने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने भी मेरठ में प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि मुरादनगर की घटना में जितने भी लोग मारे गए उनको सरकार 50-50 लाख का मुआवजा दे, उनके परिवार को एक एक सरकारी नौकरी भी देने की मांग की गई है। तो बदायूं और मुरादनगर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखा गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मेरठ के अंदर आज प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की है कि जिस तरह से मुरादनगर के अंदर
जो लैंडर गिरा है शमशान घाट के अंदर, जो 25 लोगों की मौत हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं 50-50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है और एक सरकारी नौकरी उनके घर वालों को देने की। साथ ही बदायूं में जो दुर्गम मामला हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, जिसमें मंदिर के महंत पर आरोप लग रहा है, इन्हों का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, साथ साथ सीबीआई जांच के बाद में उनको जो अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं फांसी की सजा भी देनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस काम को करवा पाएंगे, इन्हीं को लेकर के ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है जिला मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर। वही कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे भाकियू नेता मांगेराम त्यागी ने बुलंदशहर के स्याना में स्थित पैतृक घर को प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस रात से ही उनके घर पर डेरा डाले हुए। बता दें कि भाकियू नेता मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में आज भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता और किसान कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में थे, जबकि रैली के माध्यम से ही किसानों को आज दिल्ली के लिए कूच भी करना था। पुलिस प्रशासन ने कल रात से ही भाकियू नेताओं के घर डेरा डाल दिया है और किसानों को उनके घर में ही नजरबंद कर लिया है। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में होने वाले पंचवर्षीय चुनावों को लेकर भले ही गंभीर हो, लेकिन इस चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए लगाए गए कर्मचारी ही अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे। प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से आने वाली ये तस्वीरें ये कहने को मजबूर कर रही हैं। जिले में मतदाता सूची सामने के आने के बाद बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिले के इटवा तहसील क्षेत्र के ग्राम बिरवापुर में 32 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन इनके नाम को सूची से नहीं हटाया गया। मतलब कि मतदाता सूची में गड़बड़ी तो चुनाव में भी खेल हो सकता है। हमारे गांव में वोटर लिस्ट जो पंचायत चुनाव के बारे में लगाया गया था, बीएलओ श्रीमान प्रजापति जी जो अगया महादेव के निवासी हैं और अगया प्राथमिक विद्यालय पे पोस्ट हैं, शिक्षा मित्र हैं, वो आए। हमने उनसे ये कहा कि सर ऐसा है, जितना भी विलोपन है और जितना भी मृतक लोग हैं उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से जो है हटा दिया जाए और बाकी जो है सही जितने नाम हैं उनको डाल दिया जाए। तो उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि भैया ऐसा है, 70 नाम जो है आपका विलोपन हो गया है। हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में जब 26 तारीख को वोटर लिस्ट जारी हुई, हमने देखा कि उसमें से ना तो मृतकों का नाम हटाया गया, ना तो एक भी लड़कियों का नाम हटाया गया जो कि अपना मतलब मायका छोड़ के ससुराल। बिरवापुर में माननीय विधायक सूरतगढ़ ने अपने लेटर पैड पर शिकायत की थी कि कुछ लोगों के नाम काटे नहीं गए हैं जो मृतक हैं, विवाहित हैं लड़कियाँ, और दूसरा था कि कुछ लोगों को बीएलओ ने पक्षपात करते हुए छोड़ दिया है। तो इस संबंध में हमने एडीओ पंचायत के निरीक्षण में एक टीम गठित की थी, जिसमें अवधेश श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी और श्री जावेद ग्राम विकास अधिकारी की टीम थी, उसने जांच की तो उसमें कुछ आरोप सही पाए गए। खबर संभल से, जहां बिजली विभाग में 24 लाख का गबन किया गया, 24 लाख रुपए के गबन मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं एसबीआई की बबराला ब्रांच पर गबन का आरोप लगा, तो अधिशासी अभियंता जेपी यादव ने यह केस दर्ज कराया है। 24 लाख रुपए के गबन का यह मामला एसबीआई के बबराला ब्रांच पर इस गबन का आरोप लगाया गया, तो अधिशासी अभियंता जेपी यादव ने केस दर्ज कराया है। हरियाणा, हिमाचल, केरल में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अब मेरठ में भी पशु चिकित्सा विभाग की ओर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और डीएम ने भी आदेश दिया है कि रैंडम चेकिंग भी की जाए, जिससे कि किसी भी खतरे को टाला जा सके। सभी को शासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को भी कहा गया है। जब से हिमाचल के अंदर बर्ड फ्लू की जानकारी प्राप्त हुई है, प्रमुख सचिव पशुधन के द्वारा निर्देश जारी करे गए हैं। सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपद अलर्ट मोड पे हैं।
हमने जनपद के अंदर सभी पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रसाद अधिकारी, पैरावेट जो हमारे हर ग्राम लेवल तक के वर्कर्स हैं उनको अलर्ट मोड पर डाल दिया है। अगर कहीं से भी अधिक संख्या में पक्षियों के मरने की सूचना अचानक हमें प्राप्त होती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हमने वन विभाग के साथ टाई अप किया हुआ है और हम डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक जनपद के अंदर इस प्रकार की कोई भी सूचना हमें। तो अब खबरों की तरफ बढ़ेंगे, जहां मेरठ से खबर है। एसडीएम सदर और जिला आपूर्ति अधिकारी की छापेमारी की गई। तो बता दें, सूचना के आधार पर रामाफ्लोर मिल पर यह छापेमारी की गई है। सरकारी गेहूं के उतरने की जानकारी मिली थी, तो छापेमारी के दौरान सभी कागज पाए गए हैं सही। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र की ये मामला बताया जा रहा है। तो सरकारी गेहूं उतरने की यहां पर जानकारी मिली थी और छापेमारी जब की गई तो सभी कागजात सही पाए गए हैं। तो एसडीएम सदर और जिला आपूर्ति अधिकारी की छापेमारी। कहीं से शिकायत मिली थी कि पीडीएस की गेहूं है वो यहां पर उतारे जा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने जांच किया, बुलाया हमने डिप्टी आरएमओ को और डीएसओ साहब भी आए। तो ये जितने भी बोरियां हैं और इसका ट्रक का हम लोगों ने सारे पेपर्स वगैरह भी देखा, टोल का भी पेपर देखा, तो ये गाड़ियां सारी इलाहाबाद से आई हुई है। इलाहाबाद और यहाँ मेरठ के बीच में जितने टोल पड़ते हैं उसका टोल का स्लिप भी है। इस वजह से ये मतलब पूर्णतया स्पष्ट हुआ कि नहीं, ये गेहूँ इन लोगों ने किसानों से या किसी ट्रेडर से के थ्रू ये खरीद कर लाया है, पीडीएस कंपनी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।